बहराइच के फखरपुर में आज हुए आतंकी हमले के विरोध में फखरपुर के भाजपा व अन्य हिंदू संगठनों ने मिलकर के एक रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। साथ ही प्रधानमंत्री से अपील की गई कि वह जल्द से जल्द शहीद हुए सैनिकों का बदला लें। भारतीय युवा मोर्चा मंडल फखरपुर व भाजपा की संयुक्त रूप से इस रैली का आयोजन किया गया। भारतीय सेना को गोली छूट दे दी है। समय, स्थान, जगह भारतीय सेना को निश्चित करना है। हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि ऐसे जैश मोहम्मद द्वारा जो निर्मम तरीके से जो कायराना हरकत की गई है, भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको नेस्तानाबूद करने का काम करेगी। विधायक जी, क्या शहीद के परिवारों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी आगे तक सरकार के द्वारा? सरकार द्वारा अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख रुपया उनके परिवार को दिया गया है। साथ ही उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी और पूरा भारत उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। भारत का अभी कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था भारत के शहीदों के जवानों के ऊपर, क्या कहेंगे आप? हम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर थी, बहुत सदमा हुआ, हम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। हमारे देश के नौजवान काफ़ी संख्या में शहीद हुए और इस पाकिस्तान की कायरता हरकत से हमारे जवान शहीद हुए हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें। पाकिस्तान बहुत नीचता पे उतर आया है, आतंकवाद फैलाता है हमारे हिंदुस्तान में, डट के उसके मुकाबला करें। हमारे एक सर के बदले हमें 10 सर चाहिए। हमारे करीब करीब 44 जवान शहीद हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे 420 सर हमें आतंकवादियों के चाहिए। इस हमले के बारे में आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से, ये बताएं? मैं चाहता हूं कि जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं वो उसका बदला लिया जाए, डायरेक्ट बदला लिया जाए, कुछ नहीं, बदला ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है अल्ताफुर रहमान बेग। क्या चाहते हैं भारत सरकार से? जैसा कि दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की कायराना हरकत, उनके बुजदिलों ने हमारे जवानों को जिस तरह छुप कर मारा है, हम चाहते हैं कि हमारा देश, और सबसे पहले तो हम अपनी एकता दिखाना चाहते हैं कि दुनिया देख ले, मुल्क देख ले कि हम सभी लोग एक रास्ते पर निकल कर अपने एक एक बूंद खून को देना चाहते हैं देश के लिए। दुनिया जान ले कि हम अलग अलग नहीं हैं बल्कि हम सभी एक हैं। मुल्क के लिए हम जान देने को तैयार हैं और हमारी सेना, हम अपनी सेना का साहस बढ़ा रहे हैं। हमारी सेना घुस के मारे पाकिस्तान को, एक के बदले 10 सर चाहिए। अगर जितने हमारे सर गए हैं 400 चाहिए और हम तभी चैन की सांस लेंगे जब उसको जलील ख्वार कर दिया जाए पाकिस्तान को। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुर्दाबाद, मिटा दिया जाए। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, नक्शे से मिटा दिया जाए। अगर हम हिंदुस्तानी, केवल हम हिंदुस्तान के मुसलमान जो 25-30 करोड़ हैं, पाकिस्तान में केवल 18 करोड़ मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में करीब 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हम लोग पेशाब कर देंगे तो पाकिस्तान साला बह जाएगा। उसका नक्शे से नक्शा।